तो हाँ मेरे भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करें यहाँ पे, जैसे कि आपको फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक गुड न्यूज़ और एक बेड न्यूज़ के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लगातार प्रोजेक्ट विजयक और बिकेन प्रोजेक्ट टीम जो है लगातार दोनों साइड से काम करते हुए रोड को फाइनली दोस्तों जो पथरी एरिया में दोनों कनेक्ट करके रोड को ऑन बोथ साइड कनेक्ट कर दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आज फिर से मौसम ख़राब होने की वजह से फ़िलहाल उन्होंने रोड क्लियर तो किया है, बट मौसम ख़राब होने की वजह से सारे के सारे मशीनें फिर से लौट रहा है अपना काम को अंजाम दे के। बाकी देखिएगा दोस्तों, अगर काफ़ी हद तक फिर से ऐसे मौसम ख़राब रहा तो फिर चांसेस रहेगा कि रोड बंद हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आज ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से टोटली मोमेंट बंद रखा, किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं दिया, इसलिए कि एडवाइजरी में साफ साफ लिखा था दोस्तों। उसके बावजूद भी सोनामर्ग में एक उम्मीद बरकरार रख के दोस्तों वेट कर रहा कि गाड़ियां मत छोड़ दिया जाएगा। तो अगर आज मौसम इस तरह ख़राब ना होते तो दोस्तों आप गुड न्यूज़ ज़रूर मिलता और साथ ही साथ कल गाड़ियों को छोड़ने की चांसेस रहता। बट यहाँ पे मौसम काफ़ी हद तक ख़राब है, तो अगर ऐसे लगातार ख़राब और स्नोफॉल रहा तो दोस्तों आप सभी को पता है कि फिर से बंद होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह सकता है। तो यही अपडेट था अभी, तो जस्ट अपने भाई ने मुझे क्लिप्स भेजे थे, तो यही सीन है दोस्तों, यही अपडेट था। तो सोचा कि आपको शेयर करना पड़ेगा। बाकी काफ़ी ट्रैफिक फिर भी सोनामर्ग में जाम है कि वो लोग यही सोच के बैठे हैं दोस्तों मत कल गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। बट डिपेंड करता है मौसम और साथ ही साथ रोड कंडीशन, उसके हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों शाम तक क्या अपडेट रहेगा, आप तक अपडेट लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।